when we talk about the environmental management, as a name suggest, कि हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं, एनवायरमेंट का कर रहे हैं। जब हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, तो अभी हम लोग एनवायरमेंट को मैनेज कैसे करेंगे? एनवायरमेंट को मैनेज करने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि एनवायरमेंट में क्या क्या पैरामीटर्स है जो डिसाइड करते हैं कि एक एनवायरमेंट किस तरह से होगा। जैसे कि वेदर एंड क्लाइमेट, दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है मीटरोलॉजी, और चौथा है डिजास्टर मैनेजमेंट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, नॉर्मली हम सबको लगता है कि जो वेदर होता है और क्लाइमेट होता है दोनों सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर। बट अगर वही चीज क्या हो गया, कंटिन्यूसली क्या हो गया, एक पीरियड में वही वेदर चल रहा है और ये डेटा सालों साल चला हुआ है, तो वो बन जाता है पर्टिकुलर क्लाइमेट। इसको हम बहुत ही डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। सो हाउ डस एटमॉस्फेयर अफेक्ट अवर लाइफ? सीधी बात है, हम पूरा प्लानिंग, हमारा पूरा डेली रूटीन बेस्ड अपॉन एटमॉस्फेयर ही करते हैं। हमको स्कूल के वैकेशन, वो भी हमको एटमॉस्फेयर के हिसाब से मिला जाता है, राइट? कि अभी चलो समर वैकेशन है, एग्जाम्पल। फोरकास्ट अबाउट विच वेदर रिलेटेड फैक्टर्स आर गिवन ड्यूरिंग द न्यूज बुलेटिन ऑन द दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। तो वेदर फोरकास्टिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट द वेदर फोरकास्टिंग, मतलब क्या होता है कि आपको हर, द क्वेश्चन वॉज फोरकास्ट अबाउट विच वेदर रिलेटेड फैक्टर्स आर गिवन ड्यूरिंग द न्यूज बुलेटिन ऑन दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। तो नाम से मालूम पड़ता है हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर फोरकास्टिंग कि किस तरह से रेन आएगा कि नहीं आएगा, हैवी टाइड्स होंगे, लो टाइड्स होंगे, राइट? ये सारी चीजें हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। कल का तापमान क्या होगा, आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप जा सकते हो, ये सारी चीजें हमको न्यूज में मिलता है। तो ये कैसे मिलता है? बाय अंडरस्टैंडिंग द वेदर, बाय टेकिंग द रिकॉर्डिंग्स, बाय डूइंग द मैथमेटिकल थिंग्स, स्टैटिस्टिकल थिंग्स। ये पूरा हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं, एंड उसके बाद हमको एनवायरमेंट के बारे में आइडिया आता है। तो जब मैं बात करूंगा वेदर और क्लाइमेट की, तो वेदर और क्लाइमेट की जब मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला गया है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज रिफर्ड टू एज अ वेदर। सीधी बात है, मैं एक जगह पे आ गया, मैं देख रहा हूँ यार, अरे आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब बढ़िया है, कि मस्त पे कि आपका बोल सकते हो प्रॉपरली आपका क्लाइमेट है जिसमें आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, ठंडा लग रहा है एनवायरमेंट, तो ये हो गया आपका वेदर। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं वेदर। बट जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है सर, वो क्या एक चीज पे डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है? तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि एक एटमॉस्फेयर वो किस तरह से होगा, वो बहुत सारे पैरामीटर्स या फिर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, वी फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस आवर ओपिनियन अबाउट द वेदर बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक टुडे इट इज सो कोल्ड, इट इज वेरी हॉट टुडे, हम ऐसा बोलते हैं। तो ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको फील होता है ना, नहीं यार आज का मौसम थोड़ा ज्यादा ठंडा लग रहा है, अरे आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश, ये सारी चीजें ये किस पे निर्भर करती है? हमको यहाँ पे देख सकते हो आप, वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आप देखोगे तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, दूसरा है सनलाइट, अगर सनलाइट ज्यादा तेज होगी तो बोलेंगे हॉट है, अगर कम रहेगा तो बोलेंगे नहीं यार आज टेम्परेचर प्रॉपर है, और अगर बहुत ही कम रहेगी तो हम बोलेंगे नहीं यार आज टेम्परेचर कूल है। उसके हिसाब से क्लाउड्स, अगर क्लाउड्स भर जगह, हम देखते ना कि यार बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं यार अभी भी आसमान में ना बादल घने हैं तो मतलब बारिश होगी कंटिन्यूसली चलने वाली, नहीं आसमान क्लियर हो रहा है मतलब बारिश नहीं होगी, हम ऐसा बोलते हैं, राइट? ह्यूमिडिटी, हम बोलते यार आज जो बोलते ना कि हम जब बाहर जा रहे तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या, एक नमी है हमारे, हमको लग रहा है एक नमी हमको मिलता है कि यार मॉइस्ट है आज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। फिर रेनफॉल मैंने बताया, फिर आपका विजिबिलिटी, अगर आप सुबह सुबह अगर विंटर सीजन में आप निकलोगे तो आप बोलोगे यार पूरा हर जगह पे फॉग है, हर जगह पे स्मॉग है, तो दैट इज व्हाट कि आपको टेम्परेचर के हिसाब से आप बोलोगे अरे यार ठंडी है ना, टेम्परेचर के हिसाब से आप बोलोगे नहीं यार बहुत ठंडी है सुबह सुबह, बोलोगे अरे यार बट दिख नहीं रहा है कुछ, क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज फॉग है। तो एक पर्टिकुलर जो वेदर होता है या तो क्लाइमेट होता है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है गाइस, वो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जब मिलती है एक पर्टिकुलर वैल्यू शो करती है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर वेदर, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट रहेगा क्या। सो जब मैं बात करूंगा यहाँ पे क्लाइमेट की, सो अगर वेदर कंटिन्यू, अगर आज बोल गया आज बारिश हो रही है, कल भी बारिश हो रही है, परसों ही बारिश हो रही है, उसके बाद भी बारिश हो रही है, तो बारिश का जो पूरा एक मौसम चलता है, हर दिन एक कांस्टेंट वेदर आपको मिलता है, हर दिन आपको एक कांस्टेंट वेदर मिलता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और वो हर रिपीटेशन हो रहा है हर साल में, और अभी ने बहुत साल से हो रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो यस जून टू सेप्टेम्बर मेरा रेनी सीजन है, राइट। फिर मैं बोलता हूँ अप्रैल मई के दौरान मेरा समर सीजन है। तो कहने का मतलब क्या है, वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर, द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स। आप हर दिन क्या करते हो, हर दिन ऐसे एजेंसीज होते हैं, ऐसे आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं वेदर फोरकास्टिंग के, जो कंटिन्यूसली उन्होंने क्या किया है, बहुत सालों से उन्होंने वेदर का डेटा निकाल कर रखा है और डेली रीडिंग वो लोग फाइंड करते हैं। रीडिंग किस पे आधारित होती है, रीडिंग किस पे आधारित होती है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, टेम्परेचर, कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं होती है, ये सारी चीज पे डिपेंड होती है। और जब ये सारी चीज का एक वैल्यू होता है, एक पर्टिकुलर आपका एक वेदर डिसाइड होता है और उससे ही आपका कंटिन्यूस अगर रहा तो वो क्लाइमेट डिसाइड होता है। तुम लोग तो कितने टाइम से बोल रहे हैं यार ये टाइम पे क्या होता है आपका बारिश होती है, ये टाइम पे आपका समर रहता है, ये टाइम पे आपका विंटर रहता है। सो अंडरस्टैंडिंग वेदर एक शॉर्ट टर्म है, वेदर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर रिफर्ड टू एज वेदर। एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको वेदर मिलता है, बट वही वेदर अगर प्रिवेलिंग कंडीशंस देखते हो आप एयर में और वो आपका कंटिन्यूसली आपका डेली रीडिंग के इस पे आधारित है और जिसको आपने रिकॉर्ड किया बहुत सालों तक फॉर सेवरल ईयर्स, हेंस यू कैन से क्या होगा वो क्लाइमेट। सो क्लाइमेट बेसिकली इज अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वो आपका चेंज नहीं होगा। हालांकि हम बोलते हैं सब बारिश का मौसम है तो हम बोलते हैं ना कि बारिश के मौसम में आज तो बहुत गर्मी कर रहा है, तो वेदर चेंज हो सकता है, वेदर आपका चेंज हो सकता है और उसके हिसाब से आपका क्लाइमेट डिसाइड होता है। बस इतना है कि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म आप बात करोगे, वेदर शॉर्ट टर्म बात करोगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो आई थिंक इतना आपको समझा कि बच्चों को वेदर और क्लाइमेट में कंफ्यूजन होता है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। तो अभी चेंजेस इन वेदर, क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता है ना, क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली, क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। हम बोलते नहीं यार राजस्थान में हम जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे गर्मी हमेशा रहेगी, वहां पे गर्मी हमेशा रहेगी और वो रहती है, सुबह का टाइम पे बहुत गर्म रहता है और रात के टाइम पे बहुत ठंडा रहता है, तो वो एक तरीके का क्लाइमेट हो गया ना, वो जल्दी चेंज नहीं होता है। थस वी सी दैट वेदर इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक टाइम, वेर एज क्लाइमेट इज रिलेटेड टू लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लार्जर एरिया। तो इससे पता चलता है कि जो वेदर होता है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे डिपेंड करता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे। हम बोलोगे अरे यार आप कभी भी ना पहाड़ के ऊपर जाओ, उधर का जो वेदर होता है बाप रे बाप मस्त होता है, तो आप एक बोल सकते हो वेदर जो है ना एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया राइट, मैं इतनी बार बोल चुका हूं। सो वही आपका जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है और एक बड़ा लार्जर एरिया कवर करता है। वेदर की जब बात करोगे तो याद रखना, आप ऐसे बोल सकते हो अरे मुंबई का वेदर, बोलने के लिए हम बोल सकते हैं बट हमको समझता ना, हम बोलते हैं मुंबई का क्लाइमेट। सो चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेर एज चेंजेस इन क्लाइमेट, सो इफ यू से द चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेर एज चेंजेस इन क्लाइमेट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ मच लॉन्ग ड्यूरेशन। तो क्लाइमेट के अंदर जो चेंज होगा आपको बहुत ही ज्यादा ड्यूरेशन में देखने मिलेगा और वो धीरे धीरे होगा, बट वेदर वो फटाक से चेंज हो सकता है। सो क्लाइमेट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। हमको पता है कि वो इन्फ्लुएंस अपना करता है अपना बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एज वेल एज अदर ऑक्यूपेशन। क्लाइमेट बेसिकली क्या है, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीयन कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज हमारा पूरा जो प्राइमरी सेक्टर है, हमारा पूरा कंट्री का जो मेन इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं, मेन ऑक्यूपेशन जो बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। सो और एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों, क्लाइमेट। So various climatic factors like direction and the speed of wind,
टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, दिस आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, सी पोर्ट्स, ह्यूज ब्रिज एंड द स्काई स्क्रैपर. तो अगर आपको बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाने का है, अगर आपको कोई ह्यूज ब्रिज बनाना है, अगर आपको कोई रनवे बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, आपको कुछ भी टनल बनाना है, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द क्लाइमेट. सो इट इज, यू कैन बोलते ना हम, आप उसमें आर्ग्यू नहीं कर सकते कि क्लाइमेट इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा लाइफ आपका क्लाइमेट पे डिपेंड है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. आपका जो फर्स्ट टॉपिक था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, यहाँ पे हमने इसको खत्म किया. जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ह्यूमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू द कंडीसिव क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी. अगर क्लाइमेट प्रॉपर रहेगा, अगर हम जिस जगह पे रहते हैं उसका ज्योग्राफी प्रॉपरली बैलेंस्ड रहेगा, उसमें कोई भी नेचुरल डिजास्टर नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली देर इज नो स्टॉपिंग टू अवर इकोनॉमी एंड देर इज नो स्टॉपिंग टू अवर प्रोग्रेस. ह्यूमन हमेशा प्रोग्रेस करेगा. ह्यूमन प्रोग्रेस सही तरीके से करता है या नहीं करता, ये डिपेंड किस पे करता है, क्लाइमेट पे. सो इसके लिए ह्यूमन बींग्स ने अपना सारा टाइम टेबल, अपना सारा टाइम स्केड्यूल, वो अपना पूरा लाइफ एक्चुअली किस पे उन्होंने डिपेंड रखा है और किस पे आधारित रख के अपना लाइफ जी रहे, क्लाइमेट पे, अबाउट द क्लाइमेटिक एक्सपीरियंस. हम लोग अपना ट्रिप भी जो रहता है, हम प्लान किस पे करते हैं, क्लाइमेट को देख के करते हैं. अगर कोई जगह पे बारिश बहुत हो रही है तो वहां पे हम अपना ट्रिप प्लान नहीं करते. जहां पे अगर क्लाइमेट कंडीसिव है, जहां पे क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट है, यस, देयर हम लोग ट्रिप जाते हैं. सो ह्यूमन बींग्स हैव डिजाइंड अ टाइम शेड्यूल फॉर द लाइफ बेस्ड अपॉन द सेंचुरीज. और ये अभी से नहीं सर, ये सदियों से हो रहा है. साइंटिस्ट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टडी द क्लाइमेट इन व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सो सीधी बात है, आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन, जो क्रॉप रहता है वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यील्ड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके जो प्लांट्स है उनको कोई डिजीज हो रही है या नहीं हो रही है, वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे. सो इसके लिए आज भी हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं. And scientists find it necessary to study the climate in a view of its effect on the agriculture production. यहाँ पे आप देख सकते हो 23rd March is observed as World Meteorological Day, right? World Meteorological Day. तो इसका मतलब क्या है? जब हम बात करते meteor की, we know meteor, हमने सुना भी है कि एक meteor strike हुआ था Earth में, उसके वजह से dinosaur का death हो गया था, right? तो अभी ये ऐसा department जो weather पे ध्यान रखता है, weather के स्टडीज को करता है, उसके डेटास निकालता है, उसके हिसाब से वेदर फोरकास्टिंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. अभी मैंने आपको क्लाइमेट का तो बता दिया, राइट. एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंस क्या है वेदर का लिविंग वर्ल्ड में, डेली वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन. आप वेदर बोलो या क्लाइमेट कंडीशन बोलो, मैंने आपको दोनों का चीज बता दिया. वेदर आपका शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट आपका लॉन्ग टर्म होता है. तो हमको पता है ये लोग क्या करते हैं, ये दे इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली. जैसे आप बात करोगे लैंड हो गया, वाटर बॉडी हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये कलेक्टिवली ये लोग ने नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर्म किया है. इसके लिए बोलते कि वी बिलोंग टू अर्थ, द अर्थ डजंट बिलोंग टू अस, बिकॉज हम सब मिलके अर्थ बनते एनवायरनमेंट, सॉरी हम सब मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट बनते अर्थ के. दिस एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो अगर ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा या नहीं होगा, ये किस पर निर्भर करता है, क्लाइमेट पे, वेदर पे. द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. अभी अगर आप देखोगे जो हम बोलते हैं कि इंडिया के हम लोग बात करेंगे, हर 10 किलोमीटर हम बोलते हैं यार हर चीजें चेंज होती है, हमको डाइवर्सिटी देखने मिलता है. और आप थोड़ा दूर जाओगे तो आप देखोगे इवन इन स्टेट्स, स्टेट्स के तो आप पता है, एक स्टेट छोड़ा दूसरा स्टेट में गया आपको सारी डाइवर्सिटी देखने मिलेगी. बट ये जो डाइवर्सिटी होती है ये किस पे आधारित होती है, अगेन द आंसर कम्स क्लाइमेट. क्योंकि आप देखोगे जैसे कि डाइट हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ये लाइफस्टाइल पूरी चीजें हो गई, ये डिपेंड करती है क्लाइमेट में. अगर आप बोलोगे एक कश्मीरी को आप देखोगे तो कश्मीरी जो पीपल रहेंगे उनका आपको जो भी क्लोथिंग रहेगा, उनका खाना रहेगा, उनके घर रहेंगे, वो किस पर डिपेंड रहेंगे, क्लाइमेट पर डिपेंड रहेंगे. और जो कश्मीरी पीपल है उनका जो डाइट रहेगा एक राजस्थानी पीपल के डाइट से टोटली अलग रहेगा. उसी तरह से राजस्थानी जो पीपल रहेंगे, राजस्थानी कोई रहेगा, वो लोग अपने क्लाइमेट के हिसाब से अपना डाइट, अपना क्लोथिंग डिसाइड करेंगे. एक बार कश्मीरी जो रहेगा वो आपका स्वेटर और जो बोलते हैं ना ऐसे क्लोथ्स जो उनको गर्मी दे, ऐसे पहन के उन लोग का लाइफस्टाइल में चलेंगे. बट वही राजस्थानी जो लोग रहेंगे वो लोग स्वेटर को ज्यादा यूज नहीं करेंगे. इसका मतलब ये नहीं कर रहा वो लोग यूज नहीं करेंगे, वो लोग रात को यूज करेंगे जहां पे ठंड ज्यादा है, जहां पे उनको ठंड लगती है. बट वही अगर आप पूरे दिन में देखोगे तो लोग नहीं करेंगे,
तो कहने का मतलब क्या है, आप एक्सट्रीम कंडीशन लो या फिर मॉडरेट कंडीशन लो, आप मुंबई को, आप मुंबई का क्लोथिंग देखो, मुंबई का डाइट देखो एंड मुंबई का आपका लाइफस्टाइल देखो, और वही आप गांव को कंपेयर करो, आपको फिर भी डिफरेंस दिखने में आ जाता है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपका क्लाइमेट एक पर्टिकुलर रीजन का वो डिसाइड करता है कि वहां के जो लोग रहेंगे वो लोग रहेंगे कैसे, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, वो क्या काम करेंगे, उनका डाइट क्या रहेगा, उनका क्लोथिंग क्या रहेगा, उनका हाउसिंग क्या रहेगा, इन शॉर्ट उनका पूरा शेड्यूल। अभी तीसरा जो पॉइंट बताया, सैलिनिटी ऑफ द मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करेंट्स, वाटर साइकिल एक्सेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू द वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। आपका मरीन वाटर कितना ज्यादा सलाइन है, हम लोग बोलते हैं डेड सी सबसे ज्यादा सॉल्ट है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट रीजन ज्यादा है ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे। ओशनिक करंट की बात करोगे, वाटर साइकिल की बात करोगे, ये सब के सब ये डिपेंड किस पे करते हैं, क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स को। हमको बताया कि ऐसा आपका बड़ा माउंटेन रहता है, इस माउंटेन में क्या होता है, जिस तरह से आपकी हवा आती है, आपकी समझो बारिश होगा तो समझो छोटा छोटा आपके खड्डे हो जाएंगे, और इसमें क्या होगा कि बारिश का पानी जब इसके अंदर आके भर जाएगा, बारिश का पानी जब आके भर जाएगा तो फिर विंटर सीजन में क्या होगा, वाटर क्या होगा आपका एक्सपांड होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा आपको क्रैक्स आना स्टार्ट होंगे, ये हमने 8th में पढ़ा है, क्रैक्स आना स्टार्ट करेंगे। एंड देन जब हवा बहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा आपका सॉइल बनना स्टार्ट होगा। तो माउंटेन का जो स्ट्रक्चर भी मिला है वो किस तरह से बना है, आपके वेदर की वजह से बना है। तो इवन हम लोग ने अपने लोअर स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में जब हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था कि 100 साल लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है सॉइल के लेयर को बनने के लिए, बड़ो बना था कौन है, क्लाइमेट। तो अगर अगर क्लाइमेट ही नहीं रहेगा तो सॉइल ही नहीं रहेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन एज वेल एज एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। अगर क्लाइमेटिक फैक्टर क्या करते हैं, मैंने आपको बताया रेनी सीजन और आपका विंटर सीजन, और आपका जो नॉर्मली आपका स्ट्रांग वे में आपका जो अपना हम लोग बोलते हैं ना कि आपका विंड आगे जो फ्लो रहा है, ये क्या कॉज करता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। माइक्रोब्स की बात करें, माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले इन द सॉइल, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अगर हम लोग बार बार केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, हम बोलते हैं यार कि सॉइल के माइक्रोब्स मर गए, क्योंकि सॉइल अच्छा है कि नहीं अच्छा है वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, और वो और अच्छा कब होगा, जब माइक्रोब्स ग्रो होंगे, और माइक्रोब्स का ग्रोथ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगेन क्लाइमेट। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। थस इट इज वेरी क्लियर दैट द स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ ह्यूमन पॉइंट ऑफ लाइफ। तो बोलोगे यार मेट्रोलॉजी की स्टडी क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेट्रोलॉजी की स्टडी की वजह से आप क्लाइमेट की स्टडी करते हो, और क्लाइमेट की स्टडी की वजह से आप हर चीज स्टडी कर सकते हो, आप नेचुरल एनवायरमेंट को स्टडी कर सकते हो, ज्योग्राफी स्टडी कर सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, अब कोई पर्सन है उसका डाइट किस तरह से है, क्लोथिंग किस तरह से, हाउसिंग किस तरह से, ऑक्यूपेशन किस तरह से, लाइफस्टाइल किस तरह से है, आपका पूरा क्लाइमेट आपका किस तरह से चेंज हो रहा है, हर चीज की आप बात करोगे तो वो किस में आता है, क्लाइमेट पे आता है, और उसकी स्टडी को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी बिकॉज इट डील्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली विद अ ह्यूमन लाइफ। अभी हम देखेंगे व्हाइल असर्टेनिंग, जब हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं पर्टिकुलर रीजन की, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको क्लाइमेट के हर चीज को स्टडी करें। इसके लिए ऐसा नहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट खाली आज कल देख के नहीं हम बोलते हैं हाँ भाई कल बारिश होगी, नहीं, उनका जो प्रेडिक्शन होता है इट वो ज्यादातर क्या होता है, एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो स्टडीज पे बेस्ड होता है, वो आज पढ़ के नहीं बोलते, वो लास्ट के 100-150 साल का रिकॉर्ड देखते, सब चीज देखा जाता है, सारे कंडीशन को देखते, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको बताया अभी, फिर आपको आपका टेम्परेचर, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, फिर आपका टेम्परेचर हो गया, उसके बाद में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, देन टेम्परेचर हो गया, देन आपका ह्यूमिडिटी हो गया, राइट, हमने जो सारी चीजें पढ़ी, ये सारी चीजें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन हर बार रिकॉर्ड की जाती है, हर दिन रिकॉर्ड की जाती है, और इस पे इसको पूरी तरह से इक्विप किससे किया गया, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, सो दैट वी गेट द प्रेडिक्शंस मोर एक्यूरेटली। If present climatic conditions are analyzed with a reference to the past climatic condition, we can predict the climatic changes of future also. इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रॉपर रहेगा, अगर उसने हर चीज स्टडी की, जैसे अगर हम लोग पास्ट का क्लाइमेट देखते, हमको पता है ना, जैसे हम बोलते, सो इसके लिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि these departments have the ऑब्जर्वेटरीज विच आर इक्विप विद द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज इससे हमको हर दिन रीडिंग मिलता है, और ये रीडिंग से हम क्या करते हैं, हम हर बार ये फाइंड करते हैं कि पर्टिकुलरली क्लाइमेट क्या रहेगा। एंड अगर पास्ट का चीजें अगर हमको पता रहेगी क्लाइमेटिक कंडीशन का, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, राइट, वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो हियर इट इज रिटन हियर, इफ अ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन आर एनालाइज्ड, अगर हम लोग प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को हम एनालाइज करते,
पास्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, तो हम लोग फ्यूचर का क्लाइमेट भी क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाउएवर एज अ क्लाइमेट इज द नेट रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। मैंने बताया बहुत सारे आपके एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स क्या करते हैं यहाँ पे डिपेंड है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका ह्यूमिडिटी हो गया, आपका सनलाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, राइट। ये सारी चीजें एक मिक्सचर, ये सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि वेदर आपका क्लाइमेट कैसा रहेगा। सो फॉरकास्टिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और डिफिकल्ट भी है। फोरकास्टिंग इज इजी फॉर द प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर वेरी स्लो एंड लिमिटेड इन नेचर। हाउएवर वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर मोर कॉम्प्लेक्स, इंटरडिपेंडेंट, रैपिड, उस जगह पे क्या होता है, आपका जो फोरकास्ट होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। जहां पे कंटिन्यूसली आपका देखोगे नहीं बार बार वेदर चेंज होता है, तो उसके हिसाब से आपका क्लाइमेट चेंज होता है, तो वहां पे फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द मीटरोलॉजी, हमने देखा आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने का जो ब्रांच होता है उसको हम बोलते हैं मीटरोलॉजी, द साइंस दैट डील्स दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप, जो एक ही चीज को स्टडी नहीं करता है जबकि बहुत सारे चीजों के इंटर रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है, ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ में क्या आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो हो रहा है, ये सारी चीज को जब स्टडी करते उसको हम बोलते हैं मीटरोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज आती है, स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, स्टडी ऑफ क्लाउड्स, स्टडी ऑफ रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, ये सारी चीज को जब हम स्टडी करते हैं और इनका रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप को जब स्टडी करते हो, देन यू कैन से यू आर डीलिंग विद द मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी के अंदर आप देखोगे डिपेंडिंग अपॉन सच फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते ना वेदर फोरकास्ट हमारा किया जाता है। ये यूजफुल किसको होते, कॉमन पीपल को होते, फार्मर को, फिशरीज को, एविएशन सर्विस, राइट। हम लोग बोलते आज का जो क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट ठीक नहीं है, तो यहाँ से मतलब जो प्लेन होगा नहीं जाएगा, ये फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो एविएशन सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन। अभी बोलते नहीं यार अभी बारिश आगे के एक हफ्ते बहुत होने वाली है, तो फिशरमैन को अलाउ नहीं किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज हमको डेटा मिलता कहाँ से, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 23rd March 1950। ये तभी किया गया था दिस ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है ना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो पूरे वर्ल्ड पे ध्यान देता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सारी चीज पे ध्यान दिया जाता है, बिकॉज आपका सी वे होता है जहां से आपके सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, आपके ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीजें निर्भर किस पे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे, बिकॉज वो लोग वेदर फोरकास्टिंग देते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट सारा शेड्यूलिंग होता है। अब जब हम आईसीटी के बारे में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ द वेरियस सर्च इंजिन्स ऑन द इंटरनेट, जैसे अपना गूगल एक सर्च इंजिन है, सर्च फॉर द लिंक्स ऑफ फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्रिपेयर। तो आप देखो WMO मतलब क्या, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी की, जो इंडिया के बारे में सिर्फ डिसाइड करता है, इंडिया के बारे में खाली स्टडी करता है और जो इंडिया के बारे में खाली इन्फॉर्मेशन देता है। फिर आप देखोगे NOAA, नेशनल ओशनोग्राफिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से मालूम पड़ता है जो ओशंस के बारे में आइडिया देता है। अब बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो ये किसने फाउंड किया था, दिस वॉज फाउंडेड बाय ब्रिटिश इन द ईयर 1875 और इस शिमला में इसको फाउंड किया था, कि वहां पे फाउंडेड किया गया था कि चलो शिमला में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टार्ट होगा। इसका जो हेड ऑफिस है कहां पे, पुणे में, और जो छोटे मोटे ऑफिसेस है, रीजनल ऑफिसेस कहां पे आपको मिलेंगे, सारे मेजर सिटीज में मिलेंगे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली, कुछ सिटीज का नाम मैंने यहां पे लिया है। हर दिन मैप प्रिपेयर किया जाता है जो हर दिन इंडिकेट करता है डेली प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर, उसकी वजह से हमको पता चलता है कि दूसरे दिन में क्या क्या तापमान, आपका टेम्परेचर, आपका सनलाइट, आपका रेनी सीजन, हर चीज कैसे रहने वाला है। सो एंड इन दिस इंस्टीट्यूट रिसर्च गोज ऑन कंटिन्यूसली ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि क्लाइमेटिक रीडिंग्स आपको मिलेंगे, प्रिडिक्शन अबाउट द क्लाइमेट यूजिंग द रेडार, आपने देखा रहेगा रेडार, राइट, रेडार आपने देखा रहेगा कि किस तरह से सी में भी रेडार होता है, हमको पता चलता है कि दुश्मन कितना नजदीक है या फिर आगे कोई आपका पहाड़ है कि नहीं, उसे टकराना तो नहीं चाहिए आपको। ये मैंने सोनार में आपको समझाया था, सोनार में मैंने आपको समझाया था, साउंड नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ साउंड, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है अच्छे से। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हो आपको सारे प्रिडिक्शन किसमें मिलेंगे, सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक इस जगह पे होने वाला है कि नहीं होने वाला है, फिर आपका रेनफॉल से हमको रेनफॉल होगा कि नहीं होगा,
कितना होने वाला है, स्कैंटी होने वाला है, डेंस होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से? सैटेलाइट से मिलती है. अबाउट ऑल्सो द एयर पोल्यूशन, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन टू द अदर डिपार्टमेंट्स. मेन डिपार्टमेंट कौन है? आईएमडी. और आईएमडी किसको प्रोवाइड करता है? आईएमडी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है? एविएशन को प्रोवाइड करता है, शिपिंग को प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करता है, इरिगेशन को प्रोवाइड करता है, मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन को प्रोवाइड करता है. मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा रेनफॉल है और हाई टाइड होने वाला है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली हम लोग मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, फिशिंग नहीं करेंगे, वहां से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. तो ये सारी प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये प्रेडिक्शन प्रॉपर होगी तो सारे कैलामिटीज जो होने वाले वो नहीं होगी और बहुत सारे लाइफ क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे. सो प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द कैलामिटीज लाइक डस्ट स्टॉर्म्स, सैंड स्टॉर्म्स, हैवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, सुनामी, ये सारी जो चीज आप बोलोगे, ये सारे कम्युनिकेट किसको किए जाते हैं? वेरियस डिपार्टमेंट को किए जाते हैं. और हर तरीके का मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, थ्रू द मास कम्युनिकेशन, थ्रू द मीडिया, थ्रू द न्यूज चैनल, सिटीजन को सारे आइडिया मिल जाते हैं. एंड इसके वजह से ये हमको अब ये आईएमडी को कहां से मिलता है ये सारी इन्फॉर्मेशन? आईएमडी को ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहां से मिलता है? सेवरल सैटेलाइट से मिलता है जो अर्थ से लॉन्च किया गया है और जो हमारे अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली हमको लाइफ एनवायरमेंट का जो प्रिडिक्शन है वो देते हैं. एंड ड्यू टू द सैटेलाइट ओनली हम लोग सारे मैचेस देख पाते हैं. अभी आईपीएल आने वाला है, बाकी सारी चीजें आने वाली, कोई भी कंट्री में हो हमको लाइव रिपोर्टिंग मिलता है, हम लाइव देख सकते हैं. कैसे? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स विद द हाई क्लास टेक्नोलॉजी. एंड इंडिया तो इसमें लीडिंग है. इंडिया के पास रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स उन्होंने क्या किया है, स्पेस में भेजा है एक साथ. तो ऑब्जर्वेटरीज एट सेवरल लोकेशन, ये लोग भी ऑब्जर्वेटरी क्या करते हैं, अभी सैटेलाइट्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उनको ऑब्जर्व करके सारे रीडिंग्स निकाल के प्रिडिक्शन देना होता है. किसको देना होता है? ये सारे जगह को देना पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो लोग अपना शेड्यूलिंग करते हैं इस तरह से. तो ये था अबाउट, आप बोल सकते हो, मेट्रोलॉजी. इसके बाद अभी हम लोग देखने वाले मानसून मॉडल एंड द क्लाइमेट प्रिडिक्शन.